नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज के उपाय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आज हम आपको बताएंगे कि सोमवार के दिन यानी मंडे के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट में ये लिखा था टॉपिक कि कृपया इस पर बताइए कि हमें क्या खाना चाहिए किस दिन और क्या नहीं खाना चाहिए। तो उस वही हमने उनका विषय उठाया है। तो आज बात कर रहे हैं सोमवार की। ऐसे हम आगे बताते जाएंगे कि किस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, भोजन का हमारे शरीर पर और हमारे मन पर बहुत असर पड़ता है। कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। यानी हम जैसा अनाज खाएंगे या जो चीज़ें भी खाएंगे उसी तरीके से हमारा मन हो जाएगा। तो और मन पर जो चीज़ असर डालती है उसका असर हमारे जीवन पर, हमारे डिसीजन पर, हमारे कार्यों पर, हमारी सफलता पर, हमारी असफलता पर, हर चीज़ पर पड़ता है। जो भी चीज़ आपके मन पर असर डालती है वो समझ लीजिए हर चीज़ पर असर डालती है। तो इसका मतलब ये है कि भोजन हमारे हर चीज़ पर, एवरी एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट कर रहा है, हर चीज़ पर असर डाल रहा है। तो भोजन कैसा होना चाहिए आज बात करेंगे। सोमवार के दिन आपको क्या खाना चाहिए। देखिए, सोमवार के दिन कोशिश करें कि सफ़ेद रंग की चीज़ें जैसे दूध है, दूध का सेवन कर लें, दही का सेवन कर लें, दूध दही जो डेयरी प्रोडक्ट है, अगर आप पनीर खाते हैं तो पनीर खा लीजिए। हम बात करेंगे सिर्फ शाकाहारी भोजन की, क्योंकि हमारी सलाह ये होती है कि शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करें। तो दूध दही पनीर इसका सेवन करें सोमवार के दिन। और जो सफ़ेद रंग की और चीज़ें हैं जो आप अपने भोजन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सफ़ेद रंग की चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करें। तो कोशिश कर लें कि अपनी डाइट में सुबह से लेकर शाम तक आप जो डाइट लेते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो उसमें दूध दही पनीर इनमें से कोई एक चीज़ अवश्य शामिल करिए और सफ़ेद रंग की चीज़ें ज़्यादा खाने की कोशिश करिए। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो वाइट कलर की चीज़ों का प्रयोग बढ़ा दें। दूसरा, कुछ ऐसा खाना ज़रूर खाएं जिसमें हल्दी का प्रयोग किया गया हो। जैसे अमूमन इंडिया में दाल बनती है तो उसमें हल्दी डालते हैं, सब्जी बनती है तो हल्दी डालते हैं, लेकिन अगर कुछ परिवारों में हल्दी का प्रयोग नहीं होता है तो सोमवार के दिन अपने दाल या सब्जी में हल्दी का प्रयोग अवश्य करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और क्या करना है कि जो भोजन बनाएं सोमवार के दिन, जो भोजन आप ग्रहण करें, जो आपके घर में बन रहा है, तो कोशिश करें कि उसमें से थोड़ा सा भोजन आप गाय को खिला दें और एक गरीब आदमी के लायक भोजन निकाल लें। और जब आप अपने ऑफिस जा रहे हैं या बिजनेस में जा रहे हैं तो वो पैकेट बना लें बढ़िया सब कुछ और किसी गरीब को दान कर दें। आपका सोमवार का दिन बहुत शुभ बीतेगा। हुआ क्या, आपने सफ़ेद चीज़ों का सेवन भी कर लिया और सफ़ेद चीज़ों का दान भी कर लिया। तो देखिए, दान करने से क्या होता है, हमारे जो पाप कर्म हैं, चाहे वो पिछले जन्म के हों, प्रारब्ध से जुड़े हुए हों, या इस जन्मों के हमारे गलत कार्यों के रिजल्ट हों, तो जो पाप का घड़ा भरता है ना वो कम होने लगता है। इसलिए दान अवश्य करना चाहिए और प्रारब्ध में किए गए नेगेटिव कर्म भी दान करने से कम होते हैं। तो सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का सेवन करें और सफ़ेद चीज़ों का दान भी करें। क्या ना खाएं सोमवार के दिन। देखिए, हार्ड फूड, जैसे एक तो मांसाहार बिल्कुल नहीं करें, मांसाहार बिल्कुल भी सलाह नहीं देंगे कि आप करिए। और इसके अलावा जो हार्ड फूड होते हैं जिनको पचाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है पेट को, ऐसे भोजन का सेवन करने से बचें, क्योंकि सोमवार चंद्रमा का दिन माना जाता है। हार्ड फूड को डाइजेस्ट करने, हमारा पूरा जो विज्ञान है ना, ज्योतिष का विज्ञान है, वो पूरे ग्रहों से संबंधित है। तो सोमवार का दिन चंद्रमा से कनेक्टेड है, चंद्रमा आपको शुभ फल दे, आपके मेंटल स्टेटस को अच्छा रखे, भोजन को अच्छे से पचाए, इसके लिए कोशिश करें कि हार्ड फूड सोमवार के दिन ना खाएं, जिससे पेट को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े डाइजेस्ट करने में। तो हार्ड फूड सेवन करने से बचें, खास करके जैसे
नमकीन है, समोसा है, या बर्गर है, या और भी जो तली चीज़ें होती हैं उनका सेवन करने से सोमवार के दिन बचें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसके लिए और सोमवार के दिन आपको क्या करना चाहिए, भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का 11 माला जाप कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी जो मानसिक स्थिति है, मानसिक स्वास्थ्य है, वो और अच्छा हो जाएगा और शरीर में एक नई ऊर्जा एनर्जी आप महसूस करेंगे। तो यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जन्म की तारीख, जन्म स्थान अवश्य लिखिएगा ताकि आपकी कुंडली बना करके सवालों के जवाब दिए जा सके। कल का जो हमारा एपिसोड होगा उसमें बताएंगे कि मंगलवार के दिन आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो आपको ये कैसा लगा ये प्रोग्राम ज़रूर बताइएगा, साथ ही मन में कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हमें आपके सवालों और सुझावों का इंतज़ार है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक, भगवान कृष्ण आप पर कृपा करें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें, आपके जीवन की बाधाओं को दूर करें। बोलिए जय श्री कृष्ण।